और तो है वो सब गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वो एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर। सो गाइस, आज वीडियो में बात करेंगे अगर आपकी एडीएस फाइट कमज़ोर है तो भाई कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि गाइस देखो, आपको कहीं ना कहीं अच्छा सोल्टर बनना है तो भाई आपको अपनी एडीएस फाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो, ज़्यादातर फाइट ना क्लोज रेंज और एडीएस फाइट पर ज़्यादा होती है। तो भाई जितना इंपॉर्टेंट क्लोज रेंज ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडीएस फाइट भी है। तो गाइस उसको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज वीडियो में वही बात करेंगे कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। और भाई देखो, जिनको भी एडीएस फाइट इंप्रूव करनी है उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो ना गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो ऐसे कमाल की टिप्स एंड ट्रिक मिस कर दोगे कहीं ना कहीं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और चैनल को लाइक जरूर से कर देना, मतलब वीडियोस को लाइक कर देना यार। और बाकी यार गाइस देखो, अब वीडियो करते स्टार्ट। सो अगर गाइस आपको अपनी एडीएस फाइट इंप्रूव करनी है तो कुछ चीज़ें गाइस जो कि आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है गाइस एम। आपका गाइस एम इतना अच्छा होना चाहिए, जब भी आप अपने स्कोप या फिर रेड डॉट खोलो तो भाई बंदे के हेड पे खुले, वो ये नहीं कि ड्रैग करके बंदे पे ले जा रहे हो। भाई इतना ना टाइम लोगे ना तो बंदा कोई भी होगा आपको इजीली मार देगा। तो गाइस सबसे पहली चीज़ आपको एम इंप्रूव करना है, जो कि भाई सीधा हेड पे खुले बंदे के। एंड गाइस सेकंड चीज़ है वो इंप्रूव करनी है जो है गाइस ट्रेसिंग। भाई बंदा चाहे पैदल भाग रहा हो चाहे गाड़ी से जा रहा हो, जितना भी दिखे थोड़ा भी दिख रहा है ना, उसमें भाई आपकी गोली है ना बंदे को लगनी चाहिए और बंदा उतर जाना चाहिए या फिर नोक हो जाना चाहिए। सो गाइस इतना अच्छी ट्रेसिंग चाहिए रहेगी आपको। सो सबसे पहले गाइस बात करेंगे गाइस एम कैसे ठीक करोगे। एंड सो गाइस जो भी टिप्स है ना वो मैं वीडियो के एंड में दूंगा। सबसे पहले कुछ ड्रिल्स बताऊंगा। अब गाइस सबसे पहले आपको कौन से ड्रिल करनी है जिससे कि भाई अपने एडीएस है ना बंदे के हेड पे खुले, तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, अपने ना जो भी आपको अटैचमेंट फेवरेट है वो लगा लेना है। M4 में रेड डॉट लगा लेना है। एंड गाइस यहाँ पे जाना है सबसे पहले गाइस और कस्टमाइज पे जाना है और भाई ये 90 मीटर का कार्डबोर्ड ऑन कर देना है और हेल्थ से मत छेड़ना, मूवमेंट से भी मत छेड़ना। एंड गाइस यहाँ पे लेवल 3 कर देना है दोनों चीज़ और भाई स्टार्ट कर देना है। एंड गाइस ये सामने टेबल दिख रहे हैं ना, इनको भाई कवर की तरह यूज़ करना है। एंड गाइस बंदे जैसे ही अब ये कार्डबोर्ड सामने आए ना तो कुछ इस तरीके से इनको हेडशॉट दे के मारना है। जितना ट्राई कर सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा हेडशॉट दो उतना अच्छा, तो कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो गाइस अगर आपका ज़्यादा ही भाई एडीएस फाइट बहुत ज़्यादा बेकार है तो गाइस इस ड्रिल को आपको 7-8 मिनट करना है दिन में, मतलब जब भी गेम खेलो उससे पहले। एंड गाइस थोड़ा बहुत ही ख़राब है ना तो इस ड्रिल को भाई 3-4 मिनट करना, ज़्यादा मत करना। एंड गाइस चलते सेकेंड चीज़ की तरफ। सो गाइस अब बात करेंगे इस आप अपनी ट्रेसिंग कैसे सही कर सकते हो। भाई जिस ड्रिल से मैंने खुद ने अपनी ट्रेसिंग सही करी है भाई, बहुत काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ था उस ड्रिल से मुझे, तो वही ड्रिल्स आपको भी बताऊंगा जिससे कि भाई आपको 100% भाई अंतर देखेगा अपनी ट्रेसिंग में। तो चलते गाइस उस ड्रिल की तरफ। सो गाइस ट्रेसिंग इंप्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, सामने ये कार्डबोर्ड दिख रहे ना ये भाई, ये इनको हेड टू हेड ट्रेस करना है। कुछ इस तरीके से ये ड्रिल आपको देखने मिलेगी। सो गाइस देखो ये गाइस ये मैं ड्रिल बता रहा हूँ ना, खासकर ये ड्रिल्स पे भाई आपको कम से कम 10 मैगजीन तो खर्च करना ही है। क्योंकि गाइस देखो भाई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एडीएस फाइट कितनी अच्छी है, आपकी ट्रेसिंग कितनी अच्छी है, भाई जो ट्रेसिंग है ना भाई वो है ना हर टाइम आपको काम आने वाली कभी भी भाई। तो भाई इसको मास्टर करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस पे 10 मैगजीन कम से कम करनी है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो 20 मैगजीन खर्च करो मेरे तरफ से तो, लेकिन कम से कम 10 मैगजीन तो खर्च करनी है क्योंकि भाई ट्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम की। सो गाइस जो भी मेन ड्रिल्स थी वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। भाई इनको ट्रेनिंग ग्राउंड में जरूर से करोगे ना तो आपको अपने गेम प्ले में इंप्रूवमेंट दिखेगी। एंड गाइस अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सो गाइस सबसे पहली टिप है गाइस, अगर आप रेड डॉट पे भाई स्प्रे देते हो रेड डॉट से, तो भाई सबसे अच्छा एम असिस्ट जो वर्क करने वाला है ना वो करने वाला है रेड डॉट पे। कोई सा भी स्कोप ले लो भाई, रेड डॉट पे सबसे अच्छा एम असिस्ट वर्क करता है। तो ट्राई यही करना है गाइस, अगर आपके पास से मिड रेंज में से गाड़ी जा रही है या फिर आपके क्लोज से जा रही है तो आपको कोई सा स्कोप से स्प्रे नहीं देना है, उस पर देना है स्प्रे रेड डॉट से। गाइस बंदे को इजीली उतार पाओगे। लॉन्ग रेंज से जा रही है तो भाई ट्राई कर सकते हो 6x से देने का स्प्रे, लेकिन मिड रेंज और क्लोज रेंज पे तो आपको भाई रेड डॉट से ही देना है। एंड गाइस देखो कॉम्पिटेटिव में अक्सर क्या होता है ना, लॉन्ग रेंज पे भाई बंदे ना स्मोक करके बैठ जाते हैं। एंड गाइस आप वहाँ पे क्या करते हो ना, 6x से स्प्रे देते हो स्मोक के अंदर, और भाई जैसा कि मैंने बोला उस पर ना भाई एम असिस्ट इतना अच्छे से काम नहीं करता,
करता है जितना रेड डॉट पे करता है। तो गाइस आपको करना क्या है भाई, लॉन्ग रेंज स्प्रे दे रहे हो ना तो भाई रेड डॉट से दो बंदे को हेडशॉट जो पड़ेंगे ना एम असिस्ट की वजह से आपको मजा आ जाएगा। आप करके देखना एक बार, कॉम्पिटेटिव में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये चीज़। सो गाइस अगर आप भाई लॉन्ग रेंज में स्प्रे दे रहे हो स्मोक के अंदर तो भाई रेड डॉट से देना, एम असिस्ट उस पर ज़्यादा वर्क करता है तो भाई स्मोक के अंदर बंदा इजिली ट्रेस हो जाएगा। सो गाइस फोर्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट जिन्होंने देखी है भाई अपने सब्सक्राइबर लोग ने देखी है तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है, क्योंकि गाइस ये पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जिकल वाली वीडियो में भी। तो गाइस आपको करना क्या है, गाइस इस पॉइंट में कुछ टिप्स दूंगा रेड डॉट के लिए। तो गाइस देखो सबसे पहले गाइस जब भी आप रेड डॉट से स्प्रे दे रहे हो, जब भाई हल्का फुल्का आपको जिकल देना है, आपने बड़े बड़े स्ट्रीमर को देखा होगा जोनाथन स्काउट इनको, जब भी गाइस रेड डॉट से स्प्रे देते हैं ना तो अपने लेफ्ट राइट जिकल करते रहते थोड़ा थोड़ा, इससे होता क्या है ना आपका रेड डॉट थोड़ा ऊपर उठ जाता है और बंदों को हेड पे चले जाता है, एंड गाइस हेड पे जाएगा तो बंदों को आप इजीली मार पाओगे। तो गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जिगल देना है उसके टाइम पे, अगर आप अपने रेड डॉट का रिकॉल अच्छे से संभाल पाते हो तो। एंड गाइस देखो जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी एडीएस फाइट से रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक मिस नहीं करना चाहते हो ना यार तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, लव यू गाइज़।